मृत्यु से पूर्व की उसकी लटकने से जो डेथ होती है वो है। तो उसमें क्या सर कहीं स्कफल के निशान है, संघर्ष के निशान? संघर्ष के आलामत ऐसे नहीं आया जाता, कहीं कोई चोट के निशान बाहरी नहीं है? उसके 5 एब्रेशन और हैं, लेकिन वो इस तरह के रगड़क के निशान है जो उनसे कोई डेथ होने के चांसेस नहीं। सुना आपने क्या कह रहे हैं जयपुर के DCP साहब? नाहरगढ़ किले में मिली इस हरे रंग की रस्सी से लटकती लाश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस CCTV फुटेज को देखिए, इसमें चेतन तेज गति से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जिस जगह लाश मिली है उस जगह से ली गई इस सेल्फी में चेतन के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई डर या खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। CCTV में जो व्यक्ति दिख रहा है वो 4 बजे के करीब नीचे शहर में है और सेल्फी है वो सनसेट के आसपास की है। चेतन ने अपने मोबाइल से 5 सेल्फी ली। पुलिस को बरामद हुए मोबाइल में पत्नी के 97 मिस्ड कॉल मिले। सवाल ये है कि ये हत्या है या आत्महत्या? क्या चेतन की हत्या करके लाश लटकाई गई? हत्या की गई तो हत्यारे का मकसद क्या है? संवाददाता वरुण भी उस खूनी रास्ते से आगे बढ़ते हैं जिस रास्ते से चेतन गया था। ये रास्ता काफी संकरा है। आप देख सकते हैं कि रास्ते के आसपास घना जंगल है। आमतौर पर कोई पर्यटक इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता। शाम 5 बजे के बाद तो यहाँ गुप्त अंधेरा हो जाता है और तो और यहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। अंधेरा हो जाता है, यहाँ जंगली जानवर होते हैं, इधर तेंदुआ वगैरह, और यहाँ कोई आदमी जहाँ चेतन मिला है वहाँ कोई आदमी नहीं जाता उस साइड। सिर्फ मेन रोड से 4-व्हीलर गाड़ी वगैरह आती है, वो किले के अंदर जाती है। यानी साफ है कि साजिशन चेतन सैनी को इस रास्ते से लाया गया। कड़ी से कड़ी मिलाते हुए संवाददाता वरुण करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ठीक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां चेतन की लाश मिली थी। पुलिस भी इसी ओर इशारा कर रही है। मृत्यु से पूर्व की उसकी लटकने से जो डेथ होती है वो है। साफ है कि चेतन की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश जरूर है, लेकिन विरोध के जौहर में ऐसा खूनी जौहर कहां तक जायज है? ये है ABP News, आपको रखे आगे।